आयत कहलाता है, लेकिन स्क्वायर फॉर्म में अगर रहेगा तो उसकी चारों भुजाएं क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। यह भुजा इसके बराबर, तो यह भुजा इसके बराबर, तो यह भुजा इसके बराबर, तथा एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती हूँ। सभी कोण आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। इसी को हम क्या कहते हैं, स्क्वायर। ये स्क्वायर की पहचान होती है, यानी वर्ग की पहचान करते हैं। चलिए इतना तक सीख लें, इसके बाद आगे हम देखते हैं कि वर्गों की संख्या कैसे प्राप्त करते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखना और वीडियो को छोड़ करके लास्ट स्किप करके मत जाइएगा, वीडियो को अंत तक देखेंगे तभी समझ में आएगा। और बहुत ही आसान तरीके से मैं बताऊंगा, और एग्जाम में इसके कम से कम 2 या 3 प्रश्न आने अनिवार्य होते हैं, ठीक है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं वर्गों की संख्या। मैंने 2 फिगर बनाया, इसमें और कुछ कर देता हूँ, ठीक है। इसमें से पूछ लेगा कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ स्क्वायर, मतलब वर्गों की संख्या बताइए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसमें वर्गों की संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4 और एक बड़ा वाला लेके 5। लेकिन ऐसे हम नहीं निकालते हैं, इसका निकालने का एक ट्रिक होता है, पहले आप नंबरिंग कर लीजिएगा। लेकिन कब यह होगा, जब दोनों आपस में कालम और रो समान होने चाहिए। देखिए इसमें कालम 1, 2 और रो भी कितना है, 1 और 2, तो यहाँ पर कालम और रो समान होने चाहिए, तब यह ट्रिक फॉलो होगा। यानी 2 × 2, इसी तरह से 3 × 3, यह ट्रिक हमेशा इस पर फॉलो होगा, ठीक है। जितने रो उतने कॉलम्स, तब यह हम बता सकते हैं कि इसमें वर्गों की संख्या कितनी हो सकती है। तो इसको निकालने का सबसे आसान तरीका होता है, इसको नंबरिंग कर दीजिए जितने भी रो कॉलम हो, ठीक है। 1, 2, अब देखिए यहाँ पर 1 का स्क्वायर कर दीजिए, फिर प्लस 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो बराबर कितना हो जाएगा, 5। तो हमें मिल गया वर्गों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, वर्गों की संख्या बराबर 1 का स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर कर देंगे, चाहे जितनी बार दिया उतना बार कर सकते हैं। तो हमें मिल जाएगा वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5। यहाँ पर भी देखिए, अगर चेक करना चाहते हैं तो 1, 1, 2, 3, 4 और एक बड़े वाले में है, ये कितना हो गया है, 5। तो हमें वर्गों की संख्या कितनी मिल गई, 5। तो आइए देखते हैं आगे वाले प्रोसेस में। देखिए 1, 2, 3, 3 कॉलम है, 1, 2, 3, 3 रो में भी है, तो हम इसको नंबरिंग कर लेते हैं 1, 2 और 3। तो इसमें वर्गों की संख्या बराबर हो जाएगा, वर्गों की संख्या बराबर सबका स्क्वायर करेंगे, क्योंकि हमें वर्गों की संख्या बताना है, वर्ग हमेशा किस में होता है, स्क्वायर के रूप में होता है। तो हम बता सकते हैं 1 का स्क्वायर, यानी भुजा का स्क्वायर ही तो कर रहे हैं, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो बताइए 1 का स्क्वायर करेंगे 1, प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे 2 × 2, 4, उसके बाद प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे 3 × 9, तो 9, 9, 9, 4, 13, 13, 1, 14। तो हमें वर्गों की संख्या कितनी मिल गई, 14। कितने नंबर्स आए, 14। एक बार और समझाते हैं, देखिए किस भी प्रकार से वर्ग दिया रहेगा, तो जितने रो आएंगे उतने कॉलम्स में भी वर्ग बने रहेंगे, तो हम वर्गों की संख्या निकालने के लिए सबका नंबरिंग करके उसका स्क्वायर करके प्लस कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे 4 बराबर 5। इसी प्रकार से इसमें करेंगे वर्गों की संख्या बराबर, 1, 2, 3 दिया है,
एक दो तीन दिया है तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो जैसे ही जोड़ेंगे 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 प्लस 4 30 और प्लस 1 बराबर 14। कितना हो जाएगा, वर्गों की संख्या बराबर 14। तो फटाक से कीजिए और स्क्रीनशॉट कीजिए और आगे देखते हैं और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्वेश्चन सीखने में और मज़ा आएगा, ठीक है। लेकिन आप लोग बने रहेंगे तब, ठीक है, आगे देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, अगर इस प्रकार का टाइप का क्वेश्चन दे सकता है तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो आप लोग कीजिए, मात्र 3 सेकंड में आंसर आना चाहिए। चलिए आप लोगों को 3 सेकंड देते हैं, फटाफट कीजिए। अगर आप लोगों को वीडियो मेरा अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और टेलीग्राम चैनल पर सारी वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी यूट्यूब के साथ, ठीक है। जिस तरह यूट्यूब पर चैनल आपको दिखाई देगा वैसे ही प्लेलिस्ट में खोलेंगे वहाँ पर भी रहेगा, और टेलीग्राम चैनल मेरे चैनल के नाम पर ही है और वहाँ पर जाकर के आप सारी हमारी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी रीजनिंग का क्लास चल रहा है, इसके बाद हम लेंगे मैथ का क्लास। मैथ के क्लास में आप लोगों को टॉपिक वाइज सिखाया जाएगा और बेसिक से सिखाया जाएगा, ठीक है। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो आगे चलिए देखते हैं कितने लोगों का आंसर आ गया है, उसके लिए धन्यवाद हमारे वीडियो की तरफ से। आइए देखते हैं आगे हम कैसे करते हैं इसको। मैंने बोला था पहले जितना रो होगा उतना कॉलम्स होगा, 1 2 3 4 5 गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 यानी 5 × 5 का यह कॉलम है यानी वर्ग है। तो हम क्या करेंगे, इसका नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 5। तो हमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स मिल जाएंगे। नंबर ऑफ स्क्वायर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर प्लस तीसरे वाले का स्क्वायर प्लस चौथे वाले का स्क्वायर, सॉरी 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। यहाँ पे निकालेंगे स्क्वायर का 1 प्लस 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 4 प्लस 3 × 3 9 4 × 4 16 और 5 × 5 25। अब जोड़ेंगे इसको, अब जोड़ करके बताइए 16 9 25, ठीक है, 25 25 50 50 54 54 1 55। तो हमारा वर्गों की संख्या कितनी मिल गई, 54। तो देखिए मात्र कितना समय लगा, 3 सेकंड लगा, ठीक है। देखिए 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर सबका वर्ग कर देंगे, वर्ग करके जोड़ देंगे सबके, ठीक है, 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 25। तो जैसे ही जोड़ेंगे 16 9 25 25 50 50 4 54 54 1 55, कितना आ गया 55। इसी तरह इसमें भी करेंगे, इसको देख लेंगे। यह ट्रिक कब फॉलो होगा, जब जितने रोज होंगे उतने ही कॉलम्स होंगे, ठीक है, तब ये हम ट्रिक फॉलो करेंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 यानी 7 × 7 का है। तो हमारा ये ट्रिक फॉलो हो जाएगा। तो हम फटाक से इसका कर देंगे 1 का स्क्वायर, इसका करेंगे प्लस 2 का स्क्वायर, इसका करेंगे प्लस 3 का स्क्वायर, इसका करेंगे प्लस 4 का स्क्वायर और इसका करेंगे प्लस 5 का स्क्वायर और इसका करेंगे प्लस 6 का स्क्वायर और इसका करेंगे प्लस 7 का स्क्वायर। तो ठीक है, तो यहाँ पर सबका स्क्वायर कर लेंगे और जोड़ेंगे, ठीक है, 1 का 1 प्लस 4 प्लus 9 प्लस 16 प्लus 25 प्लस 36 प्लस 49। अब सोचिए, अब जोड़ेंगे आप लोग, ठीक है, जैसे ही जोड़ेंगे, हम यहाँ तक जोड़े थे कितना आया पहले वाले में 55 आया था, ठीक है, तो हमें यहाँ तक मालूम है, तो हम क्या कर देंगे 55 प्लस 36 और प्लस 49। अब बताइए 9 6 15 15 5 20 20 का 0 हाथ में लगा 2, ठीक है, और यह 5 3 8 8 2 10 8 4 12 12 2 14। तो हमें वर्गों की संख्या कितनी मिल जाएगी, 140। तो हमें वर्गों की संख्या कितनी मिल जाएगी, 140। 9 6 15 15 5 5 5 20 7 में लगा 2 4 2 6 6 6 4 10 1 11 3 14 140। तो हमें वर्गों की संख्या कितनी मिल गई, 140। तो जितने आप अगर आप लोगों को अच्छा लगा ये वीडियो
ट्रिक समझ में आ रहा है तो तुरंत आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है, क्योंकि ये आप लोगों का यूनिटी कर्तव्य बनता है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ही प्रयास करता हूँ। जब तक आप लाइक और शेयर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि नहीं ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। हाँ, मानता हूँ थोड़ी लाइटिंग ब्रीजिंग है तो वो भी समस्या दूर हो जाएगी कुछ दिनों में, लेकिन आप तब तक जुड़े रहिए जब तक यह हमारा पोर्शन चल रहा है, ठीक है, रीजनिंग का पोर्शन। जैसे ही मैथ का क्लास आएगा इसमें लाइटिंग व्यवस्था सब कुछ सारी मेंटेनेंस कर दी जाएंगी और साथ साथ आपका वीडियो भी कंटिन्यू चलता रहेगा। तो फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और फटाफट स्क्रीनशॉट कीजिए क्वेश्चन को और आगे देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, समान कॉलम और समान रो का मैंने करके दिखाया, आप इसका आंसर बता सकते हैं, जितने रो हैं उतने कॉलम्स, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, तो यह 4 × 4 का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर, सबको प्लस कर देंगे, ठीक है, +3 का स्क्वायर और यहाँ पे +4 का स्क्वायर। कैसे करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और 3 का स्क्वायर करेंगे 9 प्लस और 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 16 × 9 = 25 और 25 × 5 = 30, तो हमें वर्गों की संख्या कितनी मिल गई, 30 हो गई, लेकिन ये समान कॉलम से, ठीक है। आइए देखते हैं इसमें क्या समान कॉलम और समान रो हैं, तो पहले पता करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, मान लीजिए 6 रो तो मिल गया, 6 रो में कितने बॉक्स हैं, 1 रो में कितने बॉक्स है, 6, 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी, 6 इसमें भी, 6 इसमें भी, ठीक है, सब में समान है। अब यहाँ पर देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, क्या स्तंभ में सभी बॉक्स समान है, जितना 6 है उतना यहाँ पर भी 6 है, नहीं, अब बोलेंगे नहीं सर, कितना है, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 5 है, तो यह सीरीज कितने की हो गई, 6 × 5 की हो गई। तो इसको निकालने के लिए अब तो यह ट्रिक फॉलो नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, इसमें नया ट्रिक अपनाते हैं। कैसे अपनाते हैं, तो देखिए सबसे पहले हम रो और कॉलम को लिख लेंगे और 6 × 5 का सीरीज है, 6 × 5 का सीरीज है, फिर प्लस करेंगे, इसके बाद ये तो एक निकल गया, अब बचा कितना, 5 × 4, इसी तरह से करते चले जाएंगे, 4 × 3 प्लस 3 × 2 प्लस 2 × 1, अब आगे तो कुछ नहीं है, 2 × 1 तक हो गया, अब बस 1 तक। सबसे पहले हमें अगर रो और कॉलम समान नहीं है तो 6 × 5, इसके बाद एक एक नंबर घटाते चले जाएंगे, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, एक एक नंबर घटाते चले जाएंगे तो हमारा वर्गों की संख्या निकालना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही इसको घटाएंगे तो 6 × 5 = 30 प्लस 5 × 6 = 20 प्लस गुणा तो आता है ना आप लोगों को, अब ये थोड़ी बताएंगे कि नहीं गुणा कैसे करना है आप लोगों को, ठीक है, आप गुणा कर सकते हैं, तो 4 × 3 = 12 प्लस 3 × 6 प्लस 2 × 1 = 2, अब तो इसको जोड़ सकते हैं आप लोग, जोड़ेंगे कितना आएगा, अब सोचिए 30, 20, 50 प्लस 12 × 6 = 18, 18 × 2 = 20, ठीक है, और 50 में 20 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 70, तो हमें वर्गों की संख्या कितनी मिल गई, 17, वर्गों की संख्या कितनी मिल गई, 17। देखिए अगर समान कॉलम है तो हम स्क्वायर करके सबको जोड़ देंगे, ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है। अगर समान रो और असमान कॉलम है, यानी 6, जैसे इसमें 6 एक पंक्ति में कितने बॉक्स थे, 6, और एक स्तंभ में खड़े कर कितने ऊर्ध्वाधर यानी परपेंडिकुलर कितने रख दिए हमने, 5 रख दिए, तो क्या यह रो और कॉलम समान होगा, नहीं होगा, तो यह क्या कहलाएगा, आयत कहलाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वाला नंबर के सीरीज को हम लिख लेंगे, जितने रो उतने कॉलम्स, ठीक है, उसके बाद जैसे ही कंटिन्यूस बढ़ाते जाएंगे तो इसको हटाते जाएंगे ना भाई, इसको भी हटाएंगे, तो 1, 2, 3 और 4 और यहाँ पे 5, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, इसी प्रकार से इसको हटा देंगे, अब इसको हटा देंगे तो 1, 2, 3, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 4 × 3, फिर इसको हटाएंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे 3 × 2, 1, 2, 3 और 1, 2, सब में 1, 1, 2, 2 कॉलम है, तो 3, 3, 3 × कर देंगे बराबर 6, तो इस तरह से आंसर हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर पंक्ति
असमान हो यानी सीरीज असमान हो, सबसे पहले पता कर लेंगे कि दोनों समान है तो ये रिंग आसानी से फॉलो हो जाएगा, ठीक है। अगर असमान समान नहीं होता है, असमान है, तब भी आसानी से लग जाएगा। तो फटाफट कीजिए आंसर, और देखिए अगर हमारा वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। क्यों मैं ये बार बार क्यों बोल रहा हूँ, आपके हित में बोल रहा हूँ। और प्लस देखिए अगर आप लोग सीखेंगे तो हमारे माध्यम से हमको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। और मैं गरीब छात्रों के लिए ही बना रहा हूँ वीडियो, और बाकी मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है कि आप मेरे क्या हो समकक्ष हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैं कुछ गरीब बच्चे होते हैं, क्योंकि YouTube पर ढेर सारे चैनल हैं, कोई 1999 का चला रहा है, कोई 999 का चला रहा है अपनी YouTube वीडियो, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता, ठीक है। क्योंकि मेरे माध्यम से जो भी बच्चे सीखना चाहते हैं वह सीख सकते हैं, और ये रीजनिंग का ही पार्ट चल रहा है, इतना आसान टॉपिक चल रहा है कि आप लोग कोई भी सीख सकता है मेरे माध्यम से। और इस अगर एक बार सीख जाएंगे तो मात्र यह ट्यूशन 3 से 2 सेकंड में बना पाएंगे, ठीक है। तो फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए और आगे देखते रहिए। आगे देखते हैं प्रश्न, चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट कीजिए। तो चलिए दोस्तों आगे देखिए, मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, इस तरह से कॉलम दिया है, आपसे पूछ लेगा देन फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यू नंबर ऑफ स्क्वायर, मतलब इसमें आपसे पूछ लेगा बताइए वर्गों की संख्या कितनी होगी इस वाले चित्र में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कॉलम को गिनेंगे और रो को गिनेंगे, ठीक है। पहले गिन लीजिए, अगर समान होगा तो वाला रूल फॉलो हो जाएगा, अगर समान नहीं है तो हम नए ट्रिक से जैसे किए थे वैसे ही करते चले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। पंक्ति में तो 7 बॉक्स मिल गए, क्या कॉलम में भी यानी स्तंभ में भी 7 बॉक्स मिलेंगे, सोचिए। तो 1 2 3 4 5 नहीं मिले, तो हमारा ये कॉलम्स कैसा हो गया, यानी हमारी सीरीज कौन सी बन जाएगी, 7 × 5। मैं इसको बार बार ऊपर क्यों लिख रहा हूँ, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि नंबर समान लेकिन यहाँ नंबर असमान, ठीक है। कोई बात नहीं, असमान है तो और अच्छी बात है, 7 × 5 थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आ जाएगा, 7 में से 1 घटा देंगे 6, और 5 में से 4 घटाएंगे 4 प्लस, फिर इसमें से घटा देंगे 5 और 4 में से 1 3, फिर 4 × 2 फिर प्लस 3 × 3, अगर एक आ जाए लास्ट में तो आगे कुछ नहीं करना है आप लोगों को, क्योंकि ये सीरीज यहीं पे आके बंद हो जाती है, ठीक है। तो आगे देखिए इसका आंसर कैसे निकालते हैं, तो 7 में 5 का गुणा करेंगे 35 प्लस 6 में 4 का गुणा करेंगे 24 प्लस 5 में 3 का गुणा करेंगे 15 प्लस 4 में 2 का गुणा करेंगे 8 प्लस 3 में 1 का गुणा करेंगे 3। अब जोड़ दीजिए इसको, सिंपल तरीके से जोड़ सकते हैं, अगर इस तरह से नहीं जोड़ने आता तो जैसे आप छोटी कक्षाओं में सीख करके आए वैसे ही जोड़ सकते हैं छोटी क्लासेस में, कोई उसमें बड़ा इशू नहीं है कि हमें वही वैसे ही जोड़ने हैं, ठीक है। 4 15 8 3 जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे बताइए फटाफट कितना है, 5 5 10 10 4 14 14 3 17 और 17 3 20 और 5 25 2 2 5 1 6 6 2 8 तो हमें वर्गों की संख्या कितनी मिल जाएगी, 85 मिल जाएगी। तो हमें वर्गों की संख्या कितनी मिल जाएगी, 85। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 85। देखिए कितना आसान तरीके से हम लोगों ने सीखा, मात्र 3 सेकंड में इसका आंसर बताया मैंने। तो फटाफट इसी प्रकार से अन्य, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप मेरे चैनल के माध्यम से देखिए, आप किसी भी चैनल के माध्यम से देखिए, अगर आप लोगों को सूटेबल लगता है वहाँ से तो आप जा करके सीख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप आसान ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे हमारे यहाँ, ठीक है। अगर नहीं समझता है बच्चा, बेसिक से समझना चाहता है, जिसको गणित 0 के बराबर आती है रीजनिंग 0 के बराबर आती है, वो हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब अभी कर ले, ठीक है। और इस तरह से मेरा ये चैनल कंटिन्यूस चलता रहेगा, इसको वीडियो लगातार आते रहेंगे, लेकिन चैनल को आप लोगों को लाइक शेयर सब्सक्राइब, अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट कीजिए, ठीक है। और नहीं समझ में आता है तो बार बार मेरी पिछली वीडियो के क्लासेस को आप लोग बार बार रिपीट करके देख सकते हैं, मेरे जो मेरे चैनल का नाम है वही मेरे टेलीग्राम चैनल का भी नाम है। तो आप सबसे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और आगे देखते हैं इस पर क्वेश्चन और है, ठीक है, देखते हैं।
तो आइए दोस्तों, मैंने एक फिगर ड्रॉ किया है। अब देखिए समान कालांतर, एक दो तीन, एक दो तीन। तो अब ये सोचिए एग्जाम में कि हर बार ऐसा ही क्वेश्चन थोड़ी देगा, इसमें कुछ और भी चेंजिंग कर सकता है। अगर मान लीजिए एक बॉक्स यहाँ पे लगा दिए, चलिए एक बॉक्स यहाँ पे लगा दिए, एक बॉक्स यहाँ पे लगा दिए, एक बॉक्स यहाँ पे लगा दिए, तब तो यह समान नहीं हुआ। ठीक है, अब सोचेंगे अब इसको कैसे करेंगे। अगर ऐसा होता तो सबसे पहले हम क्या करते थे, एक दो तीन सबका वर्ग करके जोड़ देते थे। तो सेम प्रोसेस, पहले अगर समान सीरीज दिखाई दे रही तो हम ऐसा ही करेंगे। ठीक है, तो जोड़ देखते हैं, वन का स्क्वायर, टू का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर जोड़ेंगे। एक का स्क्वायर करेंगे वन, दो का स्क्वायर करेंगे चार, और चार तीन का स्क्वायर करेंगे नौ। तो नौ एक दस, चार चौदह। तो चलिए इसका तो मिल गया, लेकिन ये जो बाकी बॉक्सेज लगाए हैं इन्होंने, ये वाला बॉक्स लगाया, ये वाला बॉक्स लगाया अलग अलग से, तो ये वाला, और एक एक वर्ग लिया ला करके जोड़ दिया है। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले जो बाहरी क्षेत्र का होता है उसको बाद में काउंटिंग करते हैं, पहले घर का देखते हैं मैटर, उसके बाद बाहर का देखते हैं। ठीक है, एक दो तीन चार। ठीक है, तो ये हमारे कितने बॉक्सेज हो गए, एक दो तीन चार, तो 14 में प्लस 4 कर दीजिएगा, बराबर कितना आ जाएगा 18। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से कर लेंगे इसको। तो फटाफट स्क्रीनशॉट कीजिए और आगे देखिए। देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे नया क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आप लोगों को। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, अब बताइए इसमें आपसे पूछ लेगा कि वर्गों की संख्या बताइए। तो मैंने फिगर ड्रॉ कर लिया पहले से ताकि आप लोगों का समय बचे, क्योंकि यूट्यूब पर मैं लाइव क्वेश्चन लाइव सेशन इसलिए नहीं चलाता हूँ क्योंकि आपका समय नष्ट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसलिए मैं वीडियो को अपलोड कर देता हूँ ताकि आप लोगों का समय बचे। तो सबसे पहले आप देखिए, मैंने दो फिगर ड्रॉ किया है और इसमें देखिए आप लोगों से पूछा है, आप लोगों से पूछा गया है कि इसमें बताइए नंबर ऑफ स्क्वायर कितने होंगे, यानी वर्गों की संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले हमें मालूम था कि स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर जितने कॉलम्स उतने रो होने चाहिए। तो यहाँ पर भी कॉलम समान है, रो समान है, इसमें भी कॉलम समान है, रो समान है। तो मैंने क्या कहा था, वन का और टू का स्क्वायर नंबरिंग कर लीजिएगा, वन का स्क्वायर करेंगे वन, टू का स्क्वायर करेंगे तो यह बराबर कितने के हो जाएगा, वन प्लस फोर बराबर फाइव। तो इसका जब पाँच आ गया तो क्या इसका पाँच नहीं आ सकता, वन का स्क्वायर टू का स्क्वायर प्लस पाँच, इसका भी पाँच हो गया, तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हो जाएंगे, टेन। ऐसे में क्वेश्चन देख करके या फिगर देख के घबराना नहीं, आप आसानी से कर लेंगे अगर हमारा कॉन्सेप्ट सीखते हैं। आप एक नोट बनाते चलिए, उसमें हमारा कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलिएगा। ठीक है, नोट करते चलिएगा और एग्जाम में एक बार उठा के पैटर्न देखेंगे, वैसे ही समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो पाँच प्लस पाँच बराबर वर्गों की संख्या हमारी कितनी मिल जाएगी, दस मिल जाएगी। चलिए इसमें बताइए, तो एक आसान ट्रिक भी मैं बताता हूँ, अगर इस तरह का स्क्वायर फॉर्म में दिया रहेगा तो आपको कुछ नहीं करना है। तो ट्रिक के माध्यम से अगर एक बार सीख गए तो बार बार वही अप्लाई थोड़ी करना है हमको। तो पाँच का दो, जितने स्क्वायर से उतने गुणे कर दीजिएगा, एन स्क्वायर है तो एन कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम इन किसका स्क्वायर बता सकते हैं, एक वर्ग, दो वर्ग, तीन वर्ग, तो पाँच गुणे तीन बराबर कितने वर्ग की संख्या हो जाएगी, कितने वर्ग की संख्या हो जाएगी, पंद्रह। चलिए इसको देखते हैं, देखिए वन टू वन टू वन टू, स्क्वायर फॉर्म में करेंगे पाँच पाँच और इसका भी पाँच, जोड़ देंगे कितना आ जाएगा पंद्रह, जोड़ देंगे कितना आ जाएगा पंद्रह। तो देखिए फटाफट, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो फटाफट स्क्रीन शॉट कीजिए और आगे देखिए। तो आइए दोस्तों, यह क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी 2005 का, सीजीएल और सीएचएसएल में भी पूछा गया है और एनटीपीसी के एग्जाम में भी पूछा गया है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो आपको देखकर घबराना नहीं है, मैंने बोला था आप सबको हटा दीजिएगा, छोटे छोटे पार्ट्स को निकाल के बाहर कर दीजिएगा। ठीक है, माइंड में कीजिएगा, अब इसको ऐसे थोड़ के निकाल के निकाल तो नहीं सकते, तो माइंड में कीजिएगा। जैसे ही माइंड में करेंगे तो आप लोगों को एक नंबर्स पता चलेगा। मैंने आपसे बताया था कि अगर सम नंबर एन गुणे एन होगा, यानी सीरीज की संख्या समान समान अंकों का होगा, तो हम उसका स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, और प्लस जोड़ देते हैं तो हमें वर्गों की संख्या पता चल जाता है। तो आइए देखते हैं, तो यहाँ से नंबरिंग कीजिएगा, एक दो तीन चार, पंक्ति में हमें कितने मिले चार, तो यहाँ पर भी समान होना चाहिए, एक दो तीन चार, तो समान तो हो गया, तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे, वन का स्क्वायर
प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब बताइए जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16, 16 नौ 25, 25 अच्छा 29 एक 30। तो हमें तो इसका मिल गया कि यह तो है 30 है। अभी मैंने एक आपके सामने फिगर ड्रॉ किया था इस टाइप का, ठीक है, तो उसमें आपसे पूछ लिया था कि बताइए नंबर ऑफ स्क्वायर कितना होता है इसका, ठीक है, या इसको हटा दीजिए, चलिए हटा देते हैं, वैसे भी निकल जाएगा वैसे भी। अब बताइए इसमें वर्गों की संख्या, तो इसमें भी समान है, तो